उन्हें ये लॉलीपॉप दिया कि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम तो उनके पास बैठे रहे हमारी बात, पर उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। वुमेन पुलिस बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और पहले तो हम 3 साल से भटक रहे हैं कि 3 साल से हमारा इन्होंने पहले हमारी भर्ती करवाई, नोटिफिकेशन निकला, हम भर्ती हुए, फिजिकल फिट की हुए, हमें 1 साल हो गया, उसके बाद हम सिर्फ ओनली एक चीज़ मांग रहे हैं कि हमारा रिटर्न करवा दो। इन्होंने रिटर्न नहीं करवाया, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उसके बावजूद इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाल दी थी जिसमें ये था कि जो दोबारा बच्चे हैं वो ऐड होंगे, हमें इंक्लूड होनी छोटी जिनकी एज होती है जो डोमो सेल वाले। अगर आपके पास वैकेंसी है तो उनका अलग से दो, हमें इंक्लूड मत करो, हम आगे 3 साल से बहुत परेशान हैं, हमें एलजी साहब को सिर्फ कुर्सी पे बैठ के उनको समझ नहीं आ रही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों का इस तरह से बेहाल किया जा रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और हम घसीटा मारा जा रहा है, हमें हम क्रिमिनल नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इन्होंने क्या किया, हमें सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एलजी बोलता है कि हमारे होम सेक्रेटरी से मिलो, हम उनसे भी मिले, बट हमें सिर्फ बताया जाता है कि आपकी जनरल डिमांड रही है। आप बताइए हमारी जनरल डिमांड नहीं तो क्या हम डायरेक्ट आपसे प्रमोशन मांग रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सुबह से हम भूखे भूखे प्यासे एक जगह बैठे थे, भूखे प्यासे हम रोड से बैठे पार्क में, पुलिस वालों ने वहां पे बैठने नहीं दिया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। और ये सुन ले, यही यंग युवा आपको पावर में ला भी सकता है, वो पावर से गिरा भी सकता है। उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया कि हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम तो उनके पास बैठे रहे हमारी बात, पर उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। हमारी कोई बाकी पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। जस्टिस की मांग जो की जा रही है, आज वुमेन पुलिस बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देखिए तस्वीरें, डोगरा चौक की तस्वीरें हैं और प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। पहले बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स और अब हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। जय के यूटी, हाय हाय। जय के यूटी, हाय हाय। जय के यूटी, हाय हाय। जस्टिस फॉर जेएनके वुमेन पुलिस बटालियन एस्पिरेंट्स बॉर्डर पर गोली। सर हम सुबह से भटक रहे हैं रोडों पे और सुबह से हम 100 स्ट्राइक पे बैठे थे। हम सुबह से भटक रहे हैं, भटक तो हम 3 महीने से रहे हैं। पहले तो हम 3 साल से भटक रहे हैं कि 3 साल से हमारा इन्होंने पहले हमारी भर्ती करवाई, नोटिफिकेशन निकला, हम भर्ती हुए, फिजिकल फिट की हुए, हमें 1 साल हो गया, उसके बाद हम सिर्फ ओनली एक चीज़ मांग रहे हैं कि हमारा रिटर्न करवा दो। इन्होंने रिटर्न नहीं करवाया, उसके बावजूद इन्होंने न्यू नोटिफिकेशन निकाल दी थी जिसमें ये था कि जो दोबारा बच्चे हैं वो ऐड होंगे, हमें इंक्लूड होनी छोटी जिनकी एज पूरी जो डोमो सेल वाले हैं, हमें डोमो सेल वाले से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम ये है कि उनको अलग से, अगर आपके पास वैकेंसी है तो उनको अलग से दो, हमें इंक्लूड मत करो, हम आगे 3 साल से बहुत परेशान हैं, हमें इनमें इंक्लूड मत करो। और हम 10 बार रोड पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हमने रोड ब्लॉक की, मार खाई, पुलिस हमें रिटेन करके लेके गई। हम हर दिन रोडों पे भटक रहे हैं कम से कम 3 महीने से, पर एलजी साहब को सिर्फ कुर्सी पे बैठ के उनको समझ नहीं आ रही है। हम इतने परेशान हैं,
हमारी गर्ल्स बॉयज देखिए कैंडिडेट कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियों को इस तरह से बेहाल किया जा रहा है। आप देखिए रोडों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है और हम घसीटा मारा जा रहा है, हमें हम क्रिमिनल नहीं है, हम कहीं से उठ के नहीं आया, हम यहाँ के लोकल जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं और हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, हम बाहर से कहीं से उठ के नहीं आए, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि आप सिर्फ हमारी रिटर्न करवा लियो और जो न्यू नोटिफिकेशन निकाली उसको। इन्होंने क्या किया, हमें सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। हम डिवकॉम के पास गए, रजिंदर रैना के पास, दविंदर रैना के पास गए, हम एलजी का होम स्केट, एलजी बोलता है कि हमारे होम सेक्रेटरी से मिलो, हम उनसे भी मिले, बट हमें सिर्फ बताया जाता है कि आपकी जनरल डिमांड रही है। आप बताइए हमारी जनरल डिमांड नहीं तो क्या हम डायरेक्ट आपसे प्रमोशन मांग रहे हैं, डायरेक्ट नौकरी मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमें मौका दो, हमें सिर्फ मौका दो, रिटर्न जो क्वालिफाई करेगा वो जाएगा, हमारा सिर्फ रिटर्न ले लिया जाए, हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। हम मैंने मजबूर किया जा रहा है रोडों पे उतने, किसी को शौक नहीं होता, कोई भद्रवाह से कोई डोडा से, मेरी बहनें देखिए कहाँ कहाँ से आई है, सुबह से हम भूखे भूखे प्यासे एक जगह बैठे थे, भूखे प्यासे हम रोड से बैठे थे पार्क में, पुलिस वालों ने वहाँ पे बैठने नहीं दिया हमें, और हमने रोड भी पिला के हम सब कुछ किया, पर ये यंग युवा है, आप इसकी कमर तोड़ रहे हो, जिसको बोलते हो भविष्य है, इस भविष्य को खत्म कर रहे हो, और इसको बीजेपी वाले को जताने वाले भी हम हैं, इनको पावर देने वाले भी हम हैं, और ये सुन लें कि यही यंग युवा आपको पावर में ला भी सकता है, वो पावर से गिरा भी सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।